जितना हम जागृत होते हैं उतने सेंसिटिव हो जाते हैं, और उतना ज़्यादा हम कंसर्न्ड उस चीज़ के बारे में हो जाते हैं, और उतना ही दुख ज़्यादा होता है। दुख ज़्यादा सोए हुए लोग जो हैं वो ज़्यादा अच्छे महसूस दिखाई देते हैं, वो सोए हुए हैं, उनको परवाही नहीं किसी चीज़ की। हम जागृत होते हैं किस चीज़ को कुछ गलत होते देखते हैं, मटीरियल सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, तो ज़्यादा दुख होता है, ज़्यादा कष्ट होता है, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, मैं इसको कैसे करेक्ट कर सकता हूँ, ये कैसे कर सकता हूँ। तो अभी जो थी कुछ दुख हैं जो हमारे पास से जुड़े हुए हैं, चलो हम उसको बुला देते हैं, कैलेंडर ऑफ कर देते हैं, कुछ दुख ऐसे हैं जो हमारे आसपास के लोग ही हमें जागृत होने की वजह से हमें दिखता है कि ये गलत हो रहा है, तो वो हमें या वो इच्छाएं हमारी जगाते हैं, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, मटेरियल जो वैल्यूज हैं। सुंदर प्रश्न है ये। देखिए बात बिल्कुल ठीक है कि जो जितना जागृत रहेगा वो दुनिया में जो अवसाद की गूंज है उस गूंज को ज्यादा साफ साफ सुन पाएगा। संसार हमारा कुछ ऐसा है कि इसमें हवा नहीं बहती है, इसमें नदियां नहीं बहती हैं, इसमें दुख बहता है, जिधर देखो उधर दुखी है। और ये बात भी आपने बिल्कुल सही पकड़ी कि आम आदमी इस दुख से अप्रभावित रह जाता है, अछूता रह जाता है, एक कठोरता आ जाती है उसमें। संत को ये दुख प्रतीत होता है, कबीर कहते हैं सब जग जलता देख के भय कबीर उदास, हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास, सब जग जलता देख के भय कबीर उदास। अब सब जग जल रहा है ये देख के कबीर उदास होते हैं, आम आदमी नहीं उदास होता। बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसका क्या ये अर्थ है कि एक कबीर की किस्मत में उदासी लिखी है? नहीं, यहां पर कहानी थोड़ी दूसरी है। दोनों बातें एक साथ पनपती हैं, ये दोनों फूल एक साथ खिलते हैं, पहला संवेदनशीलता, दूसरा साक्षित्व, दोनों एक ही चीज के दो नाम है। जो जितना संवेदनशील होता जाएगा वो उतना ही विमुक्त भी होता जाएगा उससे जिसे चोट लगती है। तो एक और तो संवेदनशीलता बढ़ेगी तो मन का आपा हटेगा, मन ये नहीं कहेगा कि मेरा व्यक्तिगत सुख है तो मुझे पड़ोसी के दुख से क्या मतलब, मन ये नहीं कहेगा कि मैं मजे में हूं तो आसपास जानवर कट रहे हैं तो मुझे क्या मतलब, या पेड़ कट रहे हैं या पर्यावरण की हानि है तो मुझे क्या मतलब। पेड़ को भी कटेगा तो मन को दुख होगा। रामकृष्ण के बारे में कहते हैं किंवदंती ही है, लेकिन प्रतीक क्या है इसको समझना जरूरी है। किसी और को मारे जा रहे थे कोड़े, निशान उनकी पीठ पर आ गए। हम नहीं कहते कि घटना तथ्यपरक है, न भी हो तो फर्क क्या पड़ता है। इशारा यह है कि दूसरे का दुख उनका दुख था, समझ रहे हैं। संतों के साथ ये होता है, लेकिन ये भी जानिए कि संत दुनिया भर का दुख बर्दाश्त करते हुए भी दुखी कभी नहीं होता, क्योंकि दुखी होने का अर्थ हुआ कि आपने उस दुख के साथ तादात्म्य कर लिया। संत का तादात्म्य तो परमात्मा के साथ है। दुख है पर वो दुखी नहीं है, इन दोनों बातों में अंतर समझिएगा। दुख पूरा है, आम व्यक्ति की हालत कुछ ऐसी है कि जिसे चोट लगी हो, लेकिन इतनी चोट लगी हो कि पांव सुन्न पड़ गया हो, पांव पे इतनी चोटें लगी हैं एक के बाद एक कि पांव सुन्न पड़ गया है, तो उससे किसी तरह की कष्ट की कोई प्रतीति ही नहीं होती। संत वो जिसका तन मन पांव सब जग गया है, अब वहां पर सुन्नता नहीं रही, अब वहां पर किसी तरह की नंबनेस नहीं रही, तो उसको कष्ट प्रतीत होगा, लेकिन उसे यह भी पता है कि वो पांव नहीं है, वो आत्मा है। तो इसीलिए पांव का कष्ट रहेगा, कभी संत का कष्ट नहीं बन सकता। दोनों बातें एक साथ हो रही हैं, संवेदनशीलता भी आ रही है लेकिन साथ ही साक्षित्व भी आ रहा है, समझ रहे हैं। तो डरिएगा मत। अक्सर लोग क्या कहते हैं कि देखो अगर हम जग गए, अगर हमने अपने आप को खोल दिया, अगर हम वल्नरेबल हो गए तो बड़ा कष्ट मिलेगा, लोग हमें चोट पहुंचा के चले जाएंगे। बात झूठी है, गलत है, क्योंकि दोहरा रहा हूं, तिहरा रहा हूं,
जहां से संवेदनशीलता आती है ठीक उसी स्रोत से साक्षित्व भी आता है, जो आपको दुनिया भर के कष्टों के साथ एक होने की ताकत देता है, वही आपको ये भी ताकत देता है कि आप उन कष्टों से मुक्त भी रहे आए, उन कष्टों के होते हुए भी, कष्ट है पर आप कष्ट से मुक्त हो। चूंकि आप कष्ट से मुक्त हो इसीलिए आप और कष्ट आमंत्रित कर सकते हो, ये संत की खूबी है, ये एक विमुक्त मन की खूबी है। क्या? कि चूंकि उसे पता है कि वो हर प्रकार के कष्ट से अछूता रह जाएगा, इसीलिए वो दुनिया भर का दर्द अपने ऊपर ले सकता है। शिव ले लेते हैं विष और पी लेते हैं और हो जाते हैं नीलकंठ, आप नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि विष आपके पूरे सर्वस्व में घुल मिल जाएगा। शिव में ये शक्ति है कि वो विष लेते हैं लेकिन विष उनके साथ कभी एकाकार नहीं होने पाता, विष उनके भीतर रहकर भी वो विष से अछूते हैं। आप समझ रहे हैं? ये होती है स्थिति संत की, वो पूरा दुनिया भर का जहर ले लेता है लेकिन जहरीला नहीं हो जाता, वो दुनिया भर का कष्ट ले लेता है लेकिन दुखी नहीं हो जाता। शांति उस संवेदनशील सेंसिटिविटी की स्टेज और दूसरी स्टेज के जो बीच का फासला है वो हम जैसे लोगों के लिए तो बहुत लंबा है। नहीं, वो फासला है ही नहीं। असल में फिर कहूंगा, दोनों एक साथ आते हैं और अगर एक नहीं आ रहा तो दूसरा भी नहीं है। देखिए, संवेदनशीलता बड़ी पृथक बात है। दुख अनुभव करने भर को संवेदनशीलता नहीं कहते। संवेदनशीलता का अर्थ है आत्म केंद्रित होकर के दुख का अनुभव न करना। यदि आप अपने व्यक्तिगत दुख का ही अनुभव कर रहे हैं तो वो संवेदनशीलता बहुत निचले दर्जे की है। संवेदनशीलता वास्तव में तब है जब आपकी पहचान का दायरा व्यापक हुआ है, जब ऐसे का भी दुख आपका दुख है जिसको आप जानते भी नहीं। अपना दुख तो सबका अपना होता है, अपने बेटे का दुख भी सबका अपना होता है, हाँ, अपने पुत्र पुत्री का दुख भी सबका अपना होता है। आपका दुख आपका तब है जब किसी ऐसे का दुख आप अपने ऊपर ले लें जिसको आप जानते भी नहीं, जिससे आपको कुछ मिलना भी नहीं है। बेटे से आपको बहुत कुछ मिलना है, उसका दुख तो आपको दुखी करेगा ही, पर कहीं दूर किसी महाद्वीप पर चिड़ियों का विनाश हो रहा हो, कोई प्रजाति विलुप्त हो रही हो, किसी नदी के साथ दुराचार हो रहा हो, और तब आप तड़प जाएं, तब जानिएगा कि अब ये आत्म केंद्रित सेल्फिश दुख नहीं है, अब ये कुछ और है, अब इसे आप संवेदनशीलता कह सकते हैं। और वो संवेदनशीलता जब आती है तो उसमें और साक्षित्व में कोई फासला नहीं होता, वो और साक्षित्व एक ही चीज के दो नाम है। संसारी अपने लिए रोता है, संत संसार के लिए रोता है, रोते दोनों हैं, पर दोनों के रोने के एक मत समझ लीजिएगा। संत भी रोता है तो ये मत कहने लग जाएगा कि अरे ये तो संत है इसे दुख कैसे हो गया। वो संत है इसीलिए उसको दुख तुम्हारे लिए है, अपने लिए नहीं है। कबीर अपने आप को समझाते भी हैं कि तू क्यों भया उदास, पर फिर भी उदासी आ जाती है, समझिए ना। उन्हें अपने आप को कहना पड़ रहा है कि तू क्यों भया उदास, फिर भी उदास है। और उनकी उदासी ये नहीं है कि मेरा क्या होगा, उनकी उदासी ये है कि तेरा क्या होगा। कबीरा तेरी झोपड़ी गलगटियन के पास, जैसी करनी वैसी भरनी, तू क्यों भया उदास। अब गलकटियन के बीच में कबीर की झोपड़ी है, वो देख रहे हैं कि ये सब अब त्राहिमाम स्थिति में हैं, रो रहे हैं। अब गलकटिए हैं तो रोएंगे भी। फिर अपने आप को समझाते हैं कि भाई अपना कर्मफल भुगत रहे हैं, जैसी करनी वैसी भरनी, अब तुम क्यों उदास होते हो, तुम इसमें कर क्या सकते हो, जो इन्होंने बोया था अब ये काटेंगे भी, तुम क्यों रो रहे हो। ये समझाते हैं अपने आप को लेकिन उदास तब भी हो जाते हैं। इस उदासी को साधारण उदासी मत समझ लीजिएगा।
उसमें जैसे अब इन दिनों गाय को लेके बहुत ज़्यादा चला हुआ है, तो जैसी करनी वैसी भरनी में ही गाय जो बदल की जा रही है, तो ये उनके साथ तो लागू नहीं होता है। तकलीफ सबको है उसको लेकर के, और उसके लिए जो मतलब चला रहे हैं आंदोलन वगैरह और उसके लिए तकलीफ उठा रहे हैं, तो एक तरफ वो संवेदनशीलता ही हो गई उनकी, और दूसरी तरफ वो राजनीतिक रूप भी है। क्या मतलब इसका कैसे कुछ समझ में नहीं आता। नहीं, किसी भी तरह की आप हिंसा करेंगे अगर, तो हिंसा दुख से ही उपजती है और दुख को ही आगे बढ़ाती है। लेकिन जो संत बचाना चाह रहे हैं तो वो एक धर्म की सोच को लेकर के विशेष उसमें वो हो रहे हैं या नहीं? तो वहाँ बचाना जो है वो वास्तव में बचाना है भी नहीं। अब देखिए, आप समझिए, गाय का मसला जहाँ तक है, लोग कहते हैं कि हमें गाय को बचाना है, लेकिन बैल का या सांड का जो होता है होता रहे, इसी तरह से भैंस का जो होता है वो होता रहे। फिर कहीं कहीं पे ये उठता है कि नहीं, जो पूरा गौवंश है उसकी रक्षा की जाएगी। अब गाय का दूध पीना और गाय का कटना दोनों साथ साथ चलते हैं। आप गाय पालते हो, गाय का दूध बच्चों को आता है, गाय का बछड़ा पैदा होगा, बछिया हुई तो दूध देने लगेगी, बछड़ा पैदा होगा, सबसे पहले तो उसके साथ आप अन्याय ये करते हो कि आप उसका इमेस्कुलेशन कर देते हो, आप उसका जीवन, उसका पुरुषत्व खत्म कर देते हो, काट देते हो, ताकि वो आपका गुलाम बन के आपके खेत जोत सके। आप देख रहे हो कि दूध पीने भर से कितने गहरे अन्याय की शुरुआत हो जाती है। वो बैल जो खेत जोत रहा है, वो बैल जिसके अंडकोश काट दिए गए हैं, वो बैल उसी गाय की औलाद है जिसका आप दूध पी रहे थे। गाय दूध दे, इसके लिए जरूरी है कि वो बछड़ा पैदा करे, बछड़ा नहीं पैदा हुआ तो दूध नहीं आएगा, और जो बछड़ा पैदा होगा फिर आप उसका दोहन और शोषण करोगे। उसके बाद 8-10 साल तक तो वो बैल आपके उपयोग के काबिल रहता है। उसके बाद किसान कहता है कि अब इसमें शक्ति नहीं रही मेरा काम कर पाने की, न ये जोत सकता है, न ये गाड़ी चला सकता है, न ये कोल्हू में लग सकता है, इसका सामर्थ्य ढल गया है, खाएगा लेकिन ये अभी भी, किसान के पास खिलाने को पैसे नहीं। तो किसान उसको ले जा करके, भले ही उसका प्यारा बैल हो, लेकिन फिर किसान उसको ले जा करके कसाई में को दे देगा। कसाई को बैल दिया ही इसीलिए जा रहा है क्योंकि आप गाय को माता कह के उसका दूध पी रहे हो। अब आप एक तरफ तो कहते हो कि मुझे किसी भी तरीके से गौवंश को बचाना है, दूसरी ओर आप ये भी कहते हो कि मैं दूध पिए जाऊंगा। और आमतौर पे जो लोग गौवंश को बचाने की प्रतिबद्धता दिखाते हैं वो वही हैं जो गाय को माता कह के उसका दूध पीने में बड़ी आसक्ति रखते हैं। और सच यह है कि जिस दिन तक गाय का दूध पिया जाता रहेगा उस दिन तक बैल कटते रहेंगे, गायें भी कटती रहेंगी। यह हिंसा रुके इसके लिए आवश्यक है कि आप उसके दूध में कोई रुचि रखो ही नहीं। हर तरीके से ये साधारण सी बात है और सिद्ध बात है कि आपको एक उम्र के बाद किसी दूध की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी प्रजाति में ये नहीं देखा जाता कि बच्चा एक उम्र के बाद दूध पी रहा है। सिर्फ ये मनुष्यों में होता है कि हम हर उम्र में दूध पीते रहते हैं, और अपनी माँ का नहीं, किसी और पशु का। किसी गाय को आपने किसी बकरी का दूध पीते देखा है क्या? किसी बछड़े को किसी हथिनी का दूध पीते देखा है? तो इंसान का बच्चा, और इंसान का बच्चा ही नहीं, वयस्क पुरुष भी भैंस का दूध क्यों पिए जाते हैं? भाई भैंस तो हमारी स्त्रियों का दूध पीने नहीं आती ना,
या देखा है कभी कि भैंसा कह रहा है कि ऊंटनी का दूध चाहिए? ऐसा तो नहीं होता। तो इंसान ही ये बेवकूफी और बदसलूकी करे जाता है कि दूध पीना है। आपको जितना दूध पीना है उतना आपको आपकी माँ से मिल चुका है। आपको यदि और की आवश्यकता होती तो प्रकृति ने वो आपकी माँ को दिया होता। प्रकृति स्वयं निर्धारित कर देती है कि आदमी के बच्चे को कितना दूध चाहिए। उसके आगे आप उसे जो कुछ भी दे रहे हैं, जाहिर सी बात है कि वो अधिक है, अति है, कोई आवश्यकता नहीं है उसकी। पर आप अपने स्वाद के लिए, अपनी मान्यता की खातिर गाय पाले जाते हो। अब उसके बाद तो गौवध होगा ही। गौवध के जिम्मेदार वो कम है जो गाय को काट रहे हैं, वो ज्यादा हैं जो गाय का दूध पी रहे हैं, माता घोषित कर रहे हैं और पूज रहे हैं। इसको जीने दीजिए ना। हिंसा पे आप अगर सेलेक्टिविज्म भी कर रहे हैं तो वो भी गलत ही है। हिंसा फिर किसी भी रूप में किसी भी जानवर के प्रति, किसी भी जानवर के प्रति, किसी इंसान के प्रति और अपने प्रति भी हिंसा हिंसा है। तो देखिए, जो व्यक्ति गाय को काटने को या बकरी को काटने को या मुर्गे को काटने को आतुर है, वो व्यक्ति फिर अपने बच्चे के प्रति भी हिंसक ही होगा। हिंसा रंग देख के, मुंह देख करके और समय देख करके नहीं आती है। हिंसा तो मन का माहौल है। हिंसक मन हिंसक मन है। जिस मन को मुर्गे ही गर्दन काटते लाज नहीं आती, मर्म नहीं पिघलता, उसको क्या फर्क पड़ेगा? वो किसी इंसान की भी काट देगा गर्दन। उसके छोटे छोटे कृत्यों में हिंसा बसी हुई होगी। नहीं, लेकिन इस पे एक सवाल आता है, यदि कोई बच्चा कसाई के घर ही जन्म लेगा वो तो कसाई ही बनेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रवृत्ति लेगा, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल है कि बच्चा कसाई के घर पैदा होगा तो उस पे उस तरह के संस्कार पड़ेंगे, प्रभाव पड़ेंगे। लेकिन भूलिएगा नहीं कि हर बच्चा अपने हृदय में परमात्मा लिए होता है। तो संस्कारों की कितनी भी परत चढ़ जाए, उनके नीचे बोध तो आसीत रहता ही रहता है। वो कहीं जा नहीं सकता। फर्क नहीं पड़ता आपने जन्म कहाँ लिया, आपके संस्कार और माहौल कैसे थे। जागृति कहीं भी हो जाती है, जागृति का बीज सदा मौजूद रहता है।